दोस्तों ये है निफ्टी 500 के पांच साल के रोलिंग रिटर्न्स और इसके कंपैरिजन में ये रिटर्न्स देखिए स्पेशली इसका डाउनसाइड प्रोटेक्शन ऑब्जर्व कीजिए बट द क्वेश्चन इज इस केस में इसका डाउनसाइड प्रोटेक्शन इतना अच्छा कैसे है व्हाट एग्जैक्टली इज प्रोटेक्टिंग दिस इंडेक्स फ्रॉम फॉलिंग लेस देन निफ्टी 500 यही क्वेश्चन का आंसर मैंने जानने की कोशिश की एंड द आंसर इज क्वाइट इंटरेस्टिंग

फिर धीरे धीरे उसकी रिकवरी होना शुरू हो जाती है फिर वो पूरी तरीके से रिकवर हो जाता है पीक पर पहुंचता है फिर अर्ली रिसेशन और ये जो साइकिल है वो कंटिन्यूड रहती है बट इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस साइकिल के हिसाब से ही अक्सर कई सारे सेक्टर्स राइज और फॉल होते हैं जैसे कि जब देश रिसेशन में होता है तब कंपनीज में ले होते हैं किसी की भी सैलरी नहीं बढ़ती तो इस केस में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो जाके बड़े बड़े परचेसेस जैसे कि कार या घर लेता है आई I मीन mean, ऐसे डिफ़िकल्ट टाइम्स में आप हमेशा पैसे सेव करोगे और सिर्फ इसेंशियल आइटम्स जैसे कि घर का राशन या फिर मेडिसिन पर ही पैसा खर्च करना प्रेफर करोगे यानी कि जब देश रिसेशन में होता है जब जी डी पी डी ग्रो होती है तब यूजली हेल्थ केयर यूटिलिटीज़ फार्मा के सेक्टर्स ग्रो होते हैं और वैसे ही जब मार्केट रिकवर हो जाता है जब आपके हाथ में अच्छा खासा पैसा आ रहा होता है एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आपके अराउंड ले या फिर पैसे कम होने की जो टेंशन होती है वो कम दिखाई देती है तब आप नई गाड़ी नए फोन्स ये सब बाय करने के बारे में सोच सकते हो यानी कि मार्केट रिकवरी में टेक्नोलॉजी ऑटो मटेरियल के सेक्टर्स बूम होते हैं और स्टॉक मार्केट में भी ये कोरिलेशन देखा गया है फर्क सिर्फ इतना है कि इकोनॉमिक साइकिल से थोड़े पहले ही ये इंडिकेशन स्टॉक मार्केट को मिल जाता है और इकोनॉमी में जाने से पहले ही मार्केट में शुरू हो जाता है और फिर निफ्टी फीस में आप देख सकते हो ऐसे डाउनफॉल्स आते हैं बट जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन के क्वेश्चन में पूछा कि वॉट वुड प्रिवेंट और एटलीस्ट ये डाउनफॉल्स कम कैसे हो सकते हैं वेल well, वो सारे सेक्टर्स जो इकोनॉमिक साइकिल पर डिपेंड नहीं रहते हैं वो अक्सर कंसिस्टेंट होता है लेट मी लैबोरेट अब इमेजिन कीजिए रिसेशन आ गया रिसेशन हो या ना हो फोन यानी कि कम्युनिकेशन तो आपको लगेगा ही सो so, फेस्टिवल्स हो रिसेशन हो या फिर जीडीपी एकदम सही तरीके से ग्रो हो रही हो टेली तो आप यूज करते ही हो सिमिलरली थिंक अबाउट एंडरगार्मेंट्स नो मैटर वॉट टाइम इट इज़ आज आप लेते हो कल आपके नेबर लेते हैं परसों कोई और इन शॉर्ट ये भी साइक्लिकल नहीं है यानी कि अगर आपको ये डाउन साइड प्रोटेक्शन चाहिए तो आपको नॉन साइक्लिकल सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए थैंकफुली आपको कौन से सेक्टर्स या स्टॉक इसमें आता है ये गैस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि निफ्टी थेमेटिक इंडाइसिस में ये इंडेक्स नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स है बट ये इन्वेस्ट है ऐसे ही हम किसी भी इंडेक्स को फेवर नहीं करते लेट्स चेक कि भाई इनके रिस्क पैरामीटर्स क्या कहता है सबसे पहले रिटर्न्स यहाँ आप देख सकते हो कि लॉन्ग टर्म में इस नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स ने किस तरह से निफ्टी 500 को बीट किया है इसके अलावा 5 साल के इसके रोलिंग रिटर्न्स भी देखोगे तो ये काफी अच्छे हैं इनके फैक्ट शीट के लेटेस्ट यानी कि मार्च 28 2024 के डेटा के हिसाब से 5 सालों में 17.6% और 1 साल में 38.4% के टोटल रिटर्न्स दिए हैं वही दोस्तों सी जी आर के टर्म्स में निफ्टी फिफ्टी के कम्पैरिजन में निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स ने एक तीन पाँच दस और पंद्रह साल में ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं बट सिर्फ रिटर्न्स देखना काफ़ी नहीं है हमें वोलेटिलिटी भी देखनी चाहिए अगर आप नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स की वोलेटिलिटी देखोगे तो लॉन्ग और शॉर्ट टर्म में ये निफ्टी 500 से कम वोलेटाइल है और निफ्टी 50 से भी कम वोलेटाइल है वही दोस्तों अगर आप इसका शार्प रेशो यानी कि इतने रिटर्न्स लाने के लिए कितना रिस्क लिया है ये भी देखोगे तो पाँच दस पंद्रह सालों में निफ्टी फिफ्टी से इनका शार्प रेशो काफ़ी अच्छा है इसके अलावा दोस्तों अगर आप ड्रॉडाउन का डेटा देखोगे तो निफ्टी फाइव जब माइनस फिफ्टी या फिर माइनस टू परसेंट से गिरा है तब ये इंडेक्स माइनस फोर्टी सिक्स माइनस थर्टीन और प्लस टू पॉइंट वन परसेंट था यानी दोस्तों इसका ड्रॉडाउन भी काफ़ी अच्छा है ये तो हो गए सारे रिस्क पैरामीटर्स बट इस इंडेक्स में कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं तो इस इंडेक्स के टॉप कंट्रीब्यूटर्स एफएमसीजी, कंज्यूमर सर्विसेज, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज टेक्सटाइल और मीडिया एंटरटेनमेंट है तो जो तीस एलिजिबल स्टॉक्स है नॉन साइक्लिकल में छः महीने के एवरेज फ्री फ्लोट मार्केट कैप के हिसाब से शॉर्टलिस्ट किए जाता है तो इस केस में जो टॉप टेन स्टॉक्स है वो है एच यू भारती एयरटेल टाइटन एशियन पेंट्स नेस्ले इंडिया जोमैटो ट्रेंट टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और वरुण बेवरेजेस यानी सिंपल शब्दों में दोस्तों अगर आपको ड्रॉडाउन कम चाहिए नॉन साइक्लिकल बिजनेसिस में इंटरेस्टेड हो जी पर कैपिटा को कैपिटलाइज करना चाहते हो तो आप इस नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स के बारे में ज़रूर सोच सकते हो मगर दोस्तों अगले वीडियो में आप कौन से इंडेक्स या सेक्टर का एनालिसिस चाहते हो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इन्वेस्टडे को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए